हाय गाइस थ शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज द सर्च एंड फिल्टर फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर एप नौ सर्च एंड फिल्टर फंक्शन क्या होते हैं सर्च फंक्शन सर्च के थ्रू आप एक पर्टिकुलर टेबल में यानी कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट सेट के अंदर आप रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं आप सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स को सर्च कर सकते इसमें आपका फर्स्ट कॉलम यानी कि सीक्वेंस के अंदर सर्च करते हैं अगर डेटा आपका फर्स्ट कॉलम में नहीं मिलता है तो आपका सेकेंड कॉलम में अगर सेकेंड कॉलम में नहीं मिलता है तो आपका थर्ड कॉलम में तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम में आप सर्च कर सकते हैं जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं आपका पहला पैरामीटर है टेबल यानी कि जिस टेबल में आपको सर्च करना है और सर्च सिस्टिंग टेक्स्ट यानी किसको सर्च करना है देन लिस्ट ऑफ कॉलम्स कितने कॉलम में आपको सर्चिंग करनी देन फिल्टर्स फिल्टर में आपका पैरामीटर्स यानी कि फर्स्ट पैरामीटर टेबल और फार्मूलाज मल्टीपल फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर में आप क्या है कि आप सेलेक्टेड डेटा को सेलेक्टेड यानी कि रिकॉर्ड्स को सेलेक्टेड रो को आप फिल्टर कर सकते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अब चेक करते हैं सर्च फंक्शन को कैसे यूज कर सकते जो हमारा कैनवाज है वो टैबलेट लेआउट है इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल गैलरी वर्टिकल सर द मूवमेंट आप गैलरी को सेलेक्ट करते हैं तो राइट right साइड में आप देख सकते हैं आपको डेटा सोर्स की लिस्ट है यानी किस डेटा सोर्स से आपको डेटा को कनेक्ट करना है सो गूगल ड्राइव जिसमें आपका है टेबल टू सेलेक्ट किया देन आप देख सकते हैं यहां पर डेटा डिस्प्ले हो गया रैप काउंट टू तो आप देखते हैं आपका कॉलम डेटा आपका दो कॉलम में आ गया एक सर्च इनपुट बॉक्स जहां पर आप वैल्यू इनपुट कर सकते हैं यानी कि आपको क्या सर्च करना है इंसर्ट टेक्स्ट इनपुट बॉक्स देन इसको रिनेम करते हैं सर्च और गैलरी गैलरी का आप देख सकते हैं जो आपके आइटम्स प्रॉपर्टी है यानी कि आइटम्स में यानी कि आप जो भी फॉर्मूला या फिल्टर या आप सर्च करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपका ऑटोमेटिकली आपका गैलरी के अंदर वो डेटा मैप होता है या अपडेट होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च सर्च के अंदर फर्स्ट पैरामीटर होता है हमारा टेबल यानी कि आप देख सकते हैं यहां पर गैलरी के अंदर आप जो हमारा डेटा सोर्स है उसका नाम है आपका टेबल टू देन टेबल टू देन आपका टेक्स्ट यानि कि आपको कौन सी स्टिंग को सर्च करना है सो so, यहां पर हम इसको डायनेमिक बनाएंगे डायक्वि मीन हम एक इनपुट बॉक्स जिसका नाम है सर्च टेक्स्ट वहाँ पर डेटा कोई भी वैल्यू को टाइप करेंगे और आपका उसका रिफ्लेक्शन इस वाले आइटम प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा यानी कि वो वैल्यू यहाँ पर एक्सेस होगी सो सर्च टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट देन कोमा यहाँ पर कॉलम्स किस कॉलम में आपको सर्च करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं सीट के अंदर यहां पर हमारे पास जो डेटा है कंट्री प्रोडक्ट क्वान्टिटी सोल्ड ईयर ऑफ सेल्स सेल्स डेट आप इनमें से सिंगल कॉलम या आप सभी कॉलम पर आप सर्चिंग को लगा सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल कॉलम ट्राई करते हैं से प्रोडक्ट डन नाउ प्रीव्यू टेक्स्ट इनपुट तो आप देख सकते हैं अगर आपका ब्लैंक है तो यहाँ पर जो सर्च है यानी कि ऑल डेटा हमने एक कॉलम लिया है प्रोडक्ट सो सपोज पेन तो आप पेन के केस में देख सकते हैं जो सर्चिंग है हमारी वो आपका जो स्टार्ट करेक्ट यानी कि स्टार्ट विद जो करेक्ट आपके प्रोडक्ट आपके पेन से स्टार्ट होते हैं यानी कि pen पेन या पेंसिल वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं सपोज और आप फिल्टर्स को नैरो करना चाहते हैं सी देन आप देख सकते हैं पेंसिल आई एल तो इस केस में केवल पेंसिल को डिस्प्ले कर रहा है सपोज मुझे फ्रांस यानी कि कंट्री को सर्च करना है एफ आर ए एन सी ई सो आप देख सकते हैं फ्रांस कंट्री वहां पर है लेकिन वो केवल प्रोडक्ट के अंदर सर्च कर रहा है कॉलम के अंदर और प्रोडक्ट में आपका फ्रांस वैल्यू नहीं है सो so, हम इसको चेंज करते हैं गैलरी देन। यहां पर कंट्री सो so, अब यहां पर आपके दो कॉलम है यानी कि मल्टीपल कॉलम्स प्रीव्यू सो so, फ्रांस देन यू यानि कि वो कंट्री जो आपके यू से स्टार्ट होते हैं यू एन आई टी यानी कि यूनाइटेड स्टेट सपोज माउस सो वो आपका सीक्वेंस में सर्च करता है यानी कि पहले प्रोडक्ट में सर्च करेगा अगर प्रोडक्ट में आपको वैल्यू नहीं मिलती है तो फिर वो कंट्री कॉलम यानी कि सेकेंड कॉलम में सर्च कर दे तो इस तरह से आप सर्च फंक्शन को आप अप्लाई कर सकते और अब चेक करते हैं फिल्टर फंक्शन फिल्टर फंक्शन के लिए रिमूव इनपुट ए ड्रॉपडाउन ड्रॉपडाउन के लिए वैल्यू मेंशन करते हैं से फर्स्ट वैल्यू

तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो हमने वैल्यू टाइप किए ऑल पेन पेंसिल माउस पैन इट मीन्स यहाँ पर हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे यानी कि प्रोडक्ट को हम फिल्टर करेंगे फिल्टर मीन्स आपका डेटा जिनकी वैल्यू यानी प्रोडक्ट की वैल्यू जो आपकी पैन होगी केवल वही डेटा आपका फिल्टर होकर हो हो आपका डिस्प्ले होगा सो so, देन गैलरी गैलरी के अंदर आपका चेंज करते हैं इसको फिल्टर फिल्टर के अंदर आपका पहला पैरामीटर है आपका सोर्स यानी कि टेबल टू देन प्रोडक्ट डक्ट इक्वल टू नेम ऑफ ड्रॉप डाउन यानी कि ड्रॉप डाउन का नाम क्या हमारा ड्रॉप डाउन टू डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट डॉट वैल्यू फिल्टर के अंदर ये जो आपका सेकंड पैरामीटर होता है यानी कि लॉजिकल होता है यानी कि बुलियन होता है तो इस केस में में ये जो आपका प्रोडक्ट है यहाँ पर हम प्रोडक्ट इक्वल टू ड्रॉप डाउन सेलेक्टेड डॉट वैल्यू यानी कि जो वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से यहाँ पर उसका एक एक्सप्रेशन यानी कि बुलियन वैल्यू को जनरेट करेगा अगर आपका ट्रू है तो वही डेटा आपका अप्लाई होगा फंक्शन अप्लाई होगा आपका सभी रो पर और जिससे आपका क्राइटेरिया मैच करेगा वो यहाँ पर डिस्पर होगा फिल्टर होकर के चेक करते हैं सो बाई डिफॉल्ट ऑल है ऑल के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई डेटा नहीं है सो so पेन आपका पेन आ गया देन पेंसिल इसके बाद आपका देन माउस तो आपका जो फिल्टर होता है जैसे कि यहां पर पेन है हमने जो सर्च में किया था सर्च में क्या होता है आपका स्टार्ट विथ यानी कि प्रोडक्ट आपका पेन से जो स्टार्ट होता है जिसमें आपका पेंसिल भी इंक्लूड था लेकिन फिल्टर के अंदर आपका जो फिल्टर होता, होता है वो आपका एग्जैक्ट मैच होता है यहाँ पर एक इश्यू है अगर हम ऑल करते हैं तो ऑल के केस में क्या है कि आपका कोई भी डेटा आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि ऑल जो वैल्यू है आपका किसी भी कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करती एक्सरसीट के अंदर सो so, उसके लिए हमें एक आपका इफ कंडीशन को अप्लाई करना होगा गैलरी और आइटम सो so, जैसे कि मैंने बताया आपका ये जो फार्मूला है ये आपका बुलियन वैल्यू को जनरेट करता है जहां पर आपका ट्रू होगा जिस रो पर वैल्यू को अप्लाई करेगा फंक्शन को और क्राइटेरिया मैच होगा अगर ट्रू होगा तो वो रो आपका रिजल्ट में इंक्लूड होता है तो यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हैं if टॉप डाउन की वैल्यू जो आपने सेलेक्ट की है इक्वल टू और देन तो इफ के आपके तीन पैरामीटर होते हैं फर्स्ट पैरामीटर एक्सप्रेशन यानी कि बुलियन कॉमा के बाद आपका अगर आपका बोलियन वैल्यू की वैल्यू ट्रू है तो देन यहां पर आप कर सकते हैं ट्रू और देन कॉमा तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारी कंडीशन बन गई है अगर ड्रॉप डाउन की वैल्यू ऑल आई है यानी कि हमने ऑल को सेलेक्ट किया है तो आपका ट्रू यानी कि ट्रूज का मतलब आपका फिल्टर के अंदर ट्रू हो जाएगा यानी कि ऑल डेटा आ जाएगा अगर आपका फॉल्स है यानी कि ऑल सेलेक्ट नहीं किया आपने कुछ और तो सेलेक्ट किया है तो उसके बेच प्रोडक्ट इक्वल टू वो वैल्यू जो आपने सेलेक्ट की है चेक करते हैं तो आप देख सकते बाई डिफॉल्ट ऑल है ऑल के केस में सब डेटा आ गया हम करते हैं पेन पेन आ गया देन ऑल ऑल इस तरह से आप इफ कंडीशन के साथ में ऑल का भी आप यूज कर सकते हैं।